जय श्री राम। कैसे आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ राम जी आए हैं। राम आएंगे, अंगना सजाएंगे। हमने अंगना भी सजा लिया, दीप भी जला लिया। दीप जलाने के बाद हम लोग चल देते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। ये है हमारे बहराइच के भोलेनाथ भोलेश्वर मंदिर, जहाँ पे राम जी के आने की खुशी में दीपक जलाया गया है और खुशी मनाई जा रही है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं जगमगाती हुई शाम को देखते हुए। हम लोग यहाँ पे फिर से भोलेनाथ जी के मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं। भोलेनाथ जी हमारे फेवरेट जो ठहरे। ना हो ना शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। सो गाइस, राम लल्ला जी के आ जाने की खुशी में हमारे बहराइच के लोग झूमते नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये है हमारी बहराइच की सबसे फेमस जगह, जिसका नाम है घंटाघर, जहाँ पे इतनी प्यारी सी रंगोली सजाई गई बनाई गई है और दियो से सजाई गई है। तो गाइस, 22 जनवरी की इस रात को सेलिब्रेशन करने के लिए हम अपने घर ना जाते हुए नानी के घर पे रुक जाते हैं और अपनी महादिवाली को वहीं पे सेलिब्रेशन करते हैं। सो गाइस, आप लोग भी खुश हैं, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इतने सालों बाद ये दिन, ये खुशी का दिन आया है। 500 साल बाद ये खुशी का दिन आया है। राम आएंगे और हम लोग मंदिर भी गए थे। ये देखिए, प्रसाद खा रहे हैं। जय श्री राम। ये देखिए, वैसे तो हम लोग हर साल दिवाली मनाते थे, बट ये 22 जनवरी हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही यादगार हो गई है। इसे ये देखिए, हम लोग पटाखे छुए। तो आपको राम जी की आने की क्या खुशी है और आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब हम 14 वर्ष के बाद वो आए थे वनवास को पूरा कर, ये तो 500 वर्ष का वनवास पूरा। तो भाई, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर राम जी आए थे, तब हम लोगों ने दिवाली मनाई थी। यहाँ तो 500 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद राम जी आए हैं, तो एक अलग सी खुशी है। वो दिवाली होती थी, ये महादिवाली है जो आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सिर्फ इस दिन नहीं, आज के दिन नहीं, सिर्फ 2024 में नहीं, आने वाले हर साल हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली, महादिवाली, दिवाली तो मनाई ही जाती थी और 22 जनवरी को महादिवाली मनाई जाएगी। हम लोग की खुशी जो है डबल हो गई है। ये राम दिवाली है। जय श्री राम। तो गाइस, ये मोदी और योगी जी की कृपा से हो पाए, उनकी मेहनत और बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारे लोग थे। तो अब हम लोगों को एक ही नारा, तो के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लीजिए जय श्री राम।